अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2009 में पूछा गया था, नेग्लिजिबल डेंसिटी ऑफ एयर, अगर एयर की डेंसिटी मैं नेग्लिजिबल कर दूँ, द थर्मल वेलोसिटी ऑफ टेन, थर्मल वेलोसिटी ऑफ टेन बाई द रेनफॉल, और अच्छा ठीक है, थर्मल वेलोसिटी रेनफॉल ऑफ टेन कितना करता है, वो फॉर्मूला मैंने देता है यहाँ पे, जो ऑफ टेन करता है वी इजकल टू थर्म और टू आर स्क्वायर रो इंटू जी डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब इसमें हम सब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो जो वैल्यू दे रखी है, विस्कोसिटी 1.8 दे रखी है, और इस और क्या दे रखा है अपने को, और रेडियस दे रखा है मतलब आर भी दे रखा है, रो डेंसिटी दे रखी है इसकी, और डेंसिटी सबके सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो फी इज इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू 0.3 mm, और एम मीटर में दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.3 mm 0.3 स्क्वायर इंटू 10^-3 का स्क्वायर। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर में, और उसके बाद मैं उसको जी, ठीक है, रो मीन्स 1 और जी से जी कितना 9.8 में लेता हूँ, तो इसकी वाटर है तो इसका मैं ले लेता रेनफॉल 10^-3 हो गया, एंड हाँ और 1 ले लिया इंटू 1 कर दिया मैंने, 1 है, एंड अगेन जी की वैल्यू ले लूँ 9.8 डिवाइड बाई 9, और सॉरी डिवाइड बाई 9, एंड इसकी वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10^-5। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास जो वी की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, वो वैल्यू होगी 10.9 मीटर पर सेकेंड। ओके,